Residents of New Vadem in Vasco marched to Chikalim sub-district hospital after a 6-year-old girl succumbed to dengue fever earlier today. Locals have accused the doctor of neglecting the girl, who was brought in on Monday evening, for hours before rushing her to GMC on Tuesday morning. मेरा भाई का बेटे को इधर एडमिट किया था रात कल शाम को 4 बजे के समय, और रात भर वो इधर ही एडमिट था। तो 1 बजे डॉक्टर और सिस्टर को बताया था कि हाथ पैर बच्चे का ठंडा पड़ रहा है, तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में ना सिस्टर ने, सही से कोई देखा ही नहीं। जब उनका नींद सब खराब हुआ तो ठीक हो गया, नींद हो गया, बाद में आगे चेक करने के बाद में उनको पता चला कि बीपी डाउन हो गया है। बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको एमरजेंसी में भेजा है GMC। अभी ये और मैं डॉक्टर को भी देखा था, भाई डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती किया है करके। ये बार बार चेक कर रहा था, अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं, बार बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते, कोई अंदर ही चेक करते हैं। ये बार बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था, तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा बीपी मास्टर डाउन था, बीपी मास्टर डाउन था तो GMC जाने तक इतना डाउन होता है। GMC में पहुंचा, GMC का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहले अगर वो बच्चे को लाता या थोड़ी देर पहले अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बचता था, आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक डॉक्टर लेगा, डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस? नहीं ना, या तो ये डॉक्टर इधर से निकलना मांगता है, ऐसा डॉक्टर चिकालीम के अंदर नहीं मांगता है। ऐसा 2-3 है और एक ही डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है इसके अंदर, वो दोनों डॉक्टर को इधर से निकालना मांगता है। सुबह से अभी ये डेंगू पेशेंट अभी यहाँ पे बैठी थी, वो उसको बोला है जाके बाहर खड़ा रहो। अरे बाहर जाके खड़ा रहो इसका मतलब क्या है? आया क्यों तुम्हारे पास? भीख मांगने के लिए आया क्या? गवर्नमेंट ने क्यों खोल कर रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बाबा कोई गरीब आदमी आके देखेगा उसके बाद में ट्रीटमेंट करके अपना कुछ हेल्थ बराबर करेगा, लेकिन क्या फायदा ऐसा आके रुकने से? उससे अच्छा डायरेक्ट GMC भी गया था, अच्छा ना इधर आके मरने से अच्छा। जो किसके पास नहीं होते वो आदमी इधर आते हैं, अभी क्या करेगा? इधर आना ही पड़ता है ना राष्ट्र को, इधर नजीक करके। 7 वर्षाचे एका काल सांचे 4 सुमार हंगा हाडला, त्याच्या उपरांत डॉक्टर तेथून काही ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंक ना हंगा, त्या खातीर ते हॉस्पिटल बांधला। आता आम्ही हंगा त्याच्या उपरांत सकाळी 2 झाली सकाळची, चेडवाचो बापू सांगता माका GMC प्रिफर करा, हे सकाळी संग प्रिफर करता, किती फायदो संग वसन? थंय वेले ते डॉक्टर GMC सांगता 15 मिनटां पयली हाडलेले, त्याला पेशंट तुमकां ओके करून दिता आसलो म्हणून। हे केदे व्हडले लॉस आहा, एक धाकटे चेडू ऑफ जावपाक म्हटल्यार हा, कित्याक हे करोडाचे हॉस्पिटल बांधलं? तुमच्या कडे मशिनरी ना, तुमच्या कडे डॉक्टर्स ना, तुमच्या कडे काय उपाय जायना, प्रिफर करा मरे GMC। कित्याक करून हा? आता 9 सुमार एक बायल निवाड्या वयली आपल्या चेडवाक घेऊन येला हांगा, 9 सुमार एक बायल आपल्या चेडवाक घेऊन येला धाकटे, ते 6 वर्षाचे आसले, हे 12:30 भरून दिता GMC प्रिफर। हा 3:30 हांगा घालिली त्यांच्यानी, ते बाबडे वतान मारता आपल्या चेडवाक घेऊन। Government hospitals in the state have repeatedly found themselves under the limelight for lacking equipments and being short on staff, and the victim of this shortcoming is the common man. This is not the first time a government hospital in the state has been accused of negligence. While GMC boasts of modern equipments and experienced doctors, the district and sub-district hospitals have, more often than not, been found understaffed and lacking equipment. This is what the local councillor had to say about the incident. सगळे लोक आमचे सावरस निवाड्याचे, कित्याक लागून आयज एक GMC एडमिट केले चिकलेच्यान, तेंचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयच्यान, तेंच्यानी 6 वर्सां भुरगीं हांगासर एडमिट केले GMC'न, आनी म्हाका दिसता काल तेका रिफर केल्ले पेरंट्सांनी, आनी म्हाजे थंय कितें जेन्ना तेजे BP लो जाली तेन्ना तेका शिफ्ट करपाक जाय इमिडियटली, पूण तेका शिफ्ट करून तेका हांसूर दवरले तेंच्यानी चिकले दवरले, आनी नेग्लिजन्सा लागून पेरंट्साचे हे आसा कितें एलिगेशन आसा नेग्लिजंटा लागून ते एक्सपायर जाले म्हणून 6 वर्सांचे। आता त्याच्या नंतर पळयत जाल्यार हांगासर आनीक 2 भुरगीं आसा 7 वर्सांचे आनी 9 वर्सांचे आसा निवाड्याचे, तेंकां हांगासर एडमीट केलेले आनी तेंकां हें मेळिल्लें आसा डेंगू पॉझिटीव मेळिल्लें आसा, तरी पूण ते एडमीट करून घेयना आनी शिफ्टूय करना GMC'न, तेका लागून लोक सामके चाळवले, सगळे येयलेले हांगासर, जर लॉ जर लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतली जाल्यार फाल्यां कोण जबाबदार आसलो? आमी म्हणटा चिकले जो हॉस्पिटल आसा हांगासर तेचो दर्जो जो इम्प्रूव केल्लो आसा, पूण आतां डॉक्टर तरी सारके दवरा तुमी, डॉक्टर धरा, स्टाफ धरा, कितें धरा, आनी जर तुमकां दिसता सिरियस केस आसा GMC धाडा तुमी रोखडे इमिडियट धाडा, तेका कित्याक धरपा आसलें काय म्हणटा चेडवाक? हे चेडूं आपले बापा आवय बापा ना जाले, रिलेटिव्ह ना जाले, अशीच जर भुरगीं हांगासर एडमिट केले ना जर जाले जाल्यार कोण जबाबदार? गव्हर्मेंट जबाबदार, एका गव्हर्मेंट हेचेर जाती लक्ष घालपाक जाय। आयज एका जे पेरंट्स आसा तेंकां 6 वर्सांचे भुरगीं आपले ना जाले, चेडूं भुरगे ते बीन, आनी आनी 2 चेडूं हांसर आसली, आतां पळय कितलो आसा ती, म्हाका 9 येयली सकाळीं एडमिट जावन, आनी येस ते डेंगू पॉझिटिव्ह आसा तरी पूण तेंकां हांसर भायर दवरलेले, आमी आतां एम्बुलंस आपयता की डॉक्टरांक कळयता, कोणूच लक्ष घालनासले, आतां लोक जेन्ना चाळालो तेन्ना तेंच्यानी भिवरी आयले एका आपूण।
अंडर ऑब्जर्वेशन झाला रे का. हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर अँड निखिल जलमी फॉर गुवाहाटी 65.